वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में आपके साथ टॉपिक लेके आए हैं हाउ टू डू पैक डेक फ्लाई। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो पैक डेक फ्लाई है मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है हमारे चेस्ट ग्रुप की। जो हमारा चेस्ट मसल ग्रुप है, बेंच प्रेस, इनक्लाइन प्रेस, डिक्लाइन प्रेस, जितने भी आप डंबल की मूवमेंट करते हो उससे तो ग्रो करता करता है, लेकिन जो पैक डेक फ्लाई है वो एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज है जो हमारी ओवरऑल चेस्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से हिट करती है। तो आओ जानते हैं आज कैसे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, कितने इसके हमने सेट लगाने हैं, कितने हमने इसके रैप्स लगाने हैं और कितना हमने इसमें वेट जो है उसको फिल करना है। तो अगर आप सारी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो को जो है वो जरूर देखें पूरा। और दूसरे नंबर पे जिसने यहां तक वीडियो देख ली है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए। सो सबसे पहले बात करते हैं इसको लगाना कैसे है। इसको लगाने का तरीका ये है कि आपको फुल रेंज ऑफ मोशन में सेट परफॉर्म करना है। और जब आप आगे को लेके आते हो तो आपको सोचना है कि मैं अपने चेस्ट मसल को जो है इकट्ठा कर रहा हूं एक पर्टिकुलर स्पोर्ट के ऊपर। और जब आप पीछे जाते हैं तो आपने ऐसे सोचना है कि मैं अपनी चेस्ट को पूरा स्ट्रेच करवा रहा हूं। उससे क्या होगा कि जो आपका चेस्ट मसल ग्रुप है वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा। ये हो गई पहली टिप की इसको लगाना कैसे। अब दूसरी बात करते हैं कि इसमें वेट कितना रखना है। इसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं इस एक्सरसाइज में भी हैवी से हैवी वेट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बट दैट इज टोटली रॉन्ग। आपने इसमें वेट कितना रखना है, आपने इसमें वेट रखना है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब 60-70% लोड देना है जितना आप वेट उठा सकते हो। तो ये बात होगी वेट की। अब बात करते हैं रेप्स कितने निकालने हैं। तो पहले ये बात क्लियर हो गई कि जब वेट हमने नॉर्मल रखा है मतलब ये एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है। अगर ये एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है तो जैसे मैंने पहले भी अपनी सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि जब हम कोई भी आइसोलेशन मूवमेंट जो है उसको ट्रेन करते हैं तो जो हम रैप रेंज रखते हैं वो हम रखते हैं 12-20 या फिर 20-30 या फिर 30-40। ठीक है, तो इसमें जो हम रैप रखने वाले हैं वो हम रखेंगे 10-15 रैप्स विद फुल रेंज ऑफ मोशन। अब इसमें मैंने 12-20 रैप्स क्यों नहीं बताए, क्योंकि इसमें जो है हम एक टारगेटेड लोड मसल को देने वाले हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा वेट कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा वेट जो है वो ज्यादा भी नहीं है। तो इसलिए 12-15 रैप्स निकालने इसके बहुत ही ज्यादा किफायती साबित होंगे आपकी चेस्ट मसल ग्रुप के लिए। जो इसके बाद हम आज लास्ट बात करेंगे कि इसमें हमने सेट कितने लगाने हैं। यूजली हम आजकल के बच्चों को देखते हैं कि वो 3 सेट ही जिम में परफॉर्म करते हैं, 3 से ऊपर किसी एक्सरसाइज में नहीं जाते। वो भी एक बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। आप कभी भी 3 सेट के साथ अपने मसल को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाओगे। वही ओल्ड स्कूल थ्योरी 12-10-8 रैप, उससे बॉडी ग्रो नहीं होगी। अगर आप बॉडी जो है अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं तो आपको अपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड के ऊपर भी फोकस करना ही पड़ेगा। ओवरलोड, अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी चले जाएगी। अब इसमें सेट कितने लगाने हैं, इसमें हम लगाएंगे 4-6 सेट 12-15 रेप्स। और ये थी आज की सारी वीडियो हमारी पैक डेक फ्लाई के ऊपर। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने यारों दोस्तों के साथ शेयर करें जो जिम जाते हैं, ठीक है, और जिनको जिम में अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिल पाती उनके साथ जरूर शेयर करें ताकि वो एक अच्छी टिप्स जान सकें और अच्छे से समझ सकें कि हमें कौन सी एक्सरसाइज कैसे लगानी है, कितना उसमें वेट रखना है, कितना उसमें हमने सेट परफॉर्म करना है और कितने हमने उसके रैप्स मारने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, जिम जाएं और तगड़े हुए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।